अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको रिव्यू करने जा रहा हूँ एरोक्स 3.2 का। ये 3.2 नहीं है, ये 3.2 ओनली है और बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर है। ये फोजिका की दो बैटरी हमने लगाई है। इसका जो मॉडल है ये देखो, सुप्रीम टीआर 1400। ये ट्यूबलर प्लेटेड है और इसके साथ जो हमने इन्वेरक्स का सेटिंग लगाया हुआ है वो मैं आपको बताता चलूँ। उसकी आज हम स्क्रीन सेटिंग करेंगे और स्क्रीन सेटिंग के साथ हमने जो इसके साथ कनेक्शन लगाई हुई है कि जो ब्रेकर्स वगैरह उसके भी बारे में भी आपको बताता चलूँ। ठीक है जी, तो हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ चैनल को डिलीशियस पॉज को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू जी फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास जो है बॉक्स है, ठीक है। इसमें हमने जो है ब्रेकर्स लगाई हुई हैं। आप ब्रेकर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा और इन तारों में बीम नहीं, मैं आपको सिंपल बताता चलूँ। ठीक है जी, आपने इन ब्रेकर्स में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमारे ये जो है ये वाबडा की इनपुट है, ठीक है। ये जो ऊपर से आई है और इसमें ये जो दो बड़े जो ब्रेकर लगे हैं 63 एम्पीयर के, इसको ये बिजली हमने बाईपास की है। इस पर आपने कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। हमारा जो काम है वो इन ब्रेकर्स के साथ है, ठीक है। जो है अगर कंपनी की लगी, ये हमारा मेन स्विच है वापड़ा से जो आया हुआ है। ये हमारे आउटपुट है जो कि एक कमरे का लोड उठा रहा है। ये दूसरा जो है, दूसरा भी हमारा आउटपुट है, दूसरे कमरे का लोड उठा रहा है। ये जिस पे बी लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये बैटरी से जो इनपुट जा रही है। ये ब्रेकर हमने हेगर कंपनी का लिया हुआ है, लेकिन ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो है एसी ब्रेकर है, डीसी ब्रेकर नहीं है। और आपने डीसी ब्रेकर ले ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये पीवी जो है ये भी एसी ब्रेकर हमने लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता था पहले, इसलिए मैंने लगाया हुआ, लेकिन मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। ये पावर से जो है पॉजिटिव पे, हमेशा आपको पता भी होगा कि जब आप प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो आपने बैटरी के पॉजिटिव पे और जो ऊपर से जो पीवी पॉजिटिव मतलब सोलर प्लेट से जो पॉजिटिव है उस पर आपने एक ब्रेकर ज़रूर लगाना है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ऊपर आते हैं, ये जो है हमारे वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है, ये बिजली पे लगा हुआ है, ठीक है। जब बिजली होती है तो हमारा ये लाइट ऑन होता है, ठीक है। जो ही बिजली हमारी चली जाती है तो ये लाइट ऑफ हो जाता है। ये जो आउटपुट है, अभी बिजली हो चाहे सोलर हो, जैसे अगर हम आउटपुट मिल रहा है कमरों को तो ये लाइट ऑन होगा। और ये हमारा जो है इन्वर्टर पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। इन्वर्टर से जो लाइट आउटपुट है तो इस पे ये लगा हुआ है, ठीक है। 1 पे हमने इन्वर्टर को रखा हुआ है, 0 पे ये ऑफ हो जाएगा और 2 पे हम इसको यूटिलिटी पे लेके जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा कुछ सेटिंग है उसका, ठीक है। अब जाते हैं हम अपने सेटिंग की तरफ। जो हमारा जिसके ये हमने ये वीडियो बनाई है वो उसके बारे में आपको बताता चलूँ, ठीक है। शुक्रिया जी फ्रेंड्स। तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरह है कि ये देखिए, अभी हमारी यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं लगा, कहीं पे साइन नहीं है, सोलर से ले रहा है, बैटरी भी चार्ज कर रहा है, ये ऊपर जो बैटरी का साइन है और घर के लोड को भी उठा रहा है, ठीक है। हम इस पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये देखो एरोक्स 3.2 का है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसकी सेटिंग्स है। ये देखिए पीवी ऊपर से जो है वो 64 वोल्ट ले रहा है और 18 एम्पीयर आ रहे हैं क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत है, और 500 के करीब वॉट ले रहा है ये ऊपर सोलर से। और बैटरी इस वक्त हमारी जो चार्ज है वो है 28.2 पे। और आउटपुट पे आते हैं तो ये 50 आउट इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। और इसके अलावा 6% इस पर लोड है और बैटरी हमारी फुल है, ये है उसका आउटपुट वोल्ट है, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन सेटिंग की तरफ। ये बटन हम प्रेस करते हैं, ठीक है। और इस पर जो फर्स्ट यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं, देखिए 1 सोलर। सोलर का मतलब है कि आपने जो आउटपुट लेनी है वो सोलर से लेनी है। इसमें भी 2 सेटिंग ही है, एक हमारे पास है सोलर और एक है SBU, और तीसरा हमारे पास है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि आप बिजली फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेट करते हैं और सोलर जो है, या सोलर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेट करते हैं, या सोलर और बैटरी और यूटिलिटी। इसके सेटिंग कुछ इस तरह के, पहले सोलर से लेगा, अगर सोलर नहीं है तो बैटरी से लेगा, अगर बैटरी भी नहीं है तो आप यूटिलिटी से लेगा अगर आपने यूटिलिटी कनेक्शन लिखा हुआ है। तो मैं इसको सोलर फर्स्ट पे रखता हूँ, अगर यूटिलिटी पे रखा हुआ है तो ये सोलर को बाईपास कर देगा, बैटरियों को भी बाईपास करेगा, ठीक है। तो मैं इसको सोलर पे ही पे रखता हूँ। दूसरा हमारे पास जो सेटिंग है ये है कि आपने कितने एम्पेयर्स देने हैं, मैक्सिमम एम्पेयर। ये जो इन्वर्टर है 3.22 जी, तो ये मैक्सिमम कितने एम्पेयर ले सकता है, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टर है 3.2 जो है ये 80 एम्पेयर तक दे सकता है। मैंने इसको 50 पे रखा हुआ है और इसका मतलब है कि टोटल एम्पेयर, बैटरी
मतलब पावर जो सोलर प्लेट्स लगे हैं और बैटरी इन दोनों से कितने पे, मैंने इसको 50 पे रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग है यह है वोल्टेज, अगर आपकी वोल्टेज जो है वो कम है तो आपने APL पे रखना है, अगर आपकी वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज बैटरी है उसकी जो है ये यूटिलिटी की वापडा की जो वोल्टेज है अगर वो आपकी ज़्यादा है तो आपने इसको UPS पे रखना है। थर्ड जो है ये बैटरी सेटिंग है, बैटरी में हमारे पास तीन किस्म की होती है, एक होती है AGM की, AGM का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ड्राई सॉलिड बैटरी लगी हुई है तो आप AGM पे रखिए, अगर आपकी तेजाब वाली बैटरी है तो आपने फ्लोटेड पे रखनी है, और अगर आपने इसकी सेटिंग खुद करनी है तो ये आपने यूज़ पे रखना है। तो मैंने इसकी सेटिंग खुद करनी है तो मैंने इसको यूज़ पे रखा हुआ है। फिफ्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर लेट सपोज आपकी जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड हो जाए तो ये उसको क्या कहते हैं ऑटो रिस्टार्ट करे कि ना करे, और सेवन्थ की जो सेटिंग है अगर आपकी ये जो इन्वर्टर है ओवर हीट हो जाए तो रिस्टार्ट करे कि ना करे, तो मैंने डिसेबल रख लिया दोनों सेटिंग। फोर जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 50 नॉर्मल होती है, ये वापडा की इनपुट है कि कितने मैक्सिमम ये 25 एम्पेयर से चार्ज करता है वापडा से। अच्छा ये है लो वोल्टेज, आपने कितनी मतलब लो वोल्ट रखनी है बैटरी की, तो मैंने ये जो टू बैटरीज है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई भी हैं वो 22 पे रखा हुआ है, तो मतलब दो वोल्ट की 22 वोल्ट की, और 13 जो है ये फुल है, कितनी बैटरी आपकी फुल हो जाए ताकि वो आपकी बैटरी से बैकअप लेना शुरू कर दे तो वो मैंने फुल पे रखा हुआ है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है 16 नंबर का, 16 नंबर में हमारे पास तीन चार किस्म के सेटिंग्स हैं, ठीक है जी, जो जिस तरह का पहला सेटिंग था सोलर और वो SBO वगैरह, वो इसमें भी इस तरह ही की सेटिंग है। पहले सबसे पहले हमारे पास जो सेटिंग्स है वो मैं आपको बताता चलूँ, ये है CSO का मतलब है कि सोलर ओनली, सिर्फ सोलर ही से बैटरी चार्ज लेगा, अगर सिर्फ सोलर ही से सोलर से चार्ज लेगा, अगर सोलर नहीं है तो फिर इसके बाद ही वो अपडप पे चला जाएगा। SNU का मतलब है कि सोलर और यूटिलिटी से एट अ टाइम चार्ज लेगा, मतलब चार्ज करेगा, और इसके बाद OAC का मतलब है ओनली सोलर, ओनली सोलर का मतलब है कि अगर बिजली है नहीं है, वापडा है नहीं है, कनेक्ट है नहीं कनेक्ट, ये सोलर ही से चार्ज लेगा, और सीरीज़ का मतलब है कि पहले ये यूटिलिटी से चार्ज लेगा, अगर आपकी यूटिलिटी नहीं है तो इसके बाद ये वापडा पे सोलर पे जाएगा, ठीक है, और CSO का मतलब है कि पहले ये सोलर से चार्ज लेगा, अगर आपकी सोलर एनर्जी काफ़ी नहीं है चार्ज करने के लिए तो फिर ये वापडा पे जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है बफर ऑन है, तो बफर ऑन ऑफ का मतलब है पीप पीप का आवाज़ देता है जब आप बटन प्रेस करते हैं, जो कि मैंने ऑफ कर ये किया हुआ है, ये इसको आप छोड़ दें। लाइट ऑन है, ये अभी देख लाइट ऑन चल रही है, अगर लाइट ऑफ होती तो ये बार बार इंटरप्ट करता मुझे, तो मैंने इसका लाइट ऑन रखा हुआ है, ठीक है, और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि मैंने इसकी वीडियो के बाद बंद ऑफ करना है। तो 21 पे हमारे पास सेटिंग्स है AON को, अलार्म के बारे में है कि अलार्म आपने ऑन रखना है, ये जो है बैटरी VYE का मतलब है कि ये बाईपास करता है आपका जो अगर लोड आ रहा है तो इस पर उसको ये बाईपास करे कि ना करे, ठीक है जी, और FEN का मतलब है कि आपको एरर शो करे कि ना करे, अगर आपका लेट सपोज कोई एरर आ रहा है और लोड की वजह से किसी वजह से एरर शो करता है कि नहीं करे, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज है तो ये कितने वोल्ट के साथ चार्ज करे, तो मैंने इसको 30 पे रखा हुआ है, और फ्लोटेड का मतलब ये है अगर आपकी बैटरी 80% चार्ज है तो ये कितना आहिस्ता आहिस्ता जो चार्ज देता है वो फ्लोटेड, उसको फ्लोटेड चार्ज कहते हैं, मैंने इसको 28.5 पे रखा हुआ है, ठीक है। ये है कट ऑफ वोल्ट, अगर आपकी बैटरी कितनी लो हो जाए ताकि ये आपको बैकअप देना बंद कर दे तो 21 वोल्ट पे रखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये इसको भी छोड़ दें। ये जो है इक्वलाइजेशन इसको कहते हैं कि अगर आप बास टाइम पे ये होता है कि आपकी जब बैटरी चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट से कवर तह चढ़ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि उसको ओवर चार्ज मतलब स्पीड से चार्ज करते हैं, ठीक है जी, तो स्पीड से चार्ज करने से क्या होता है कि वो लय उठ जाते हैं, आपकी बैटरी रिकमेंड हो जाती है, तो ये इसको इक्वलाइजेशन कहते हैं, मैंने इस पर रखा हुआ है, ठीक है जी। ये 60 मिनट है, ये 120 मिनट्स है, और इसके बाद जो है 30 डेज बाद ये रिपीट अमल होता है, अगर आप इसकी सेटिंग समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप इसको जो मैनुअल है वो सेट कर दें, ठीक है जी। ये टोटल हमारे पास सेटिंग थी, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देख ली है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आई होगी, इस तरह आपके और मजीद भी वीडियो मिलते रहेंगे, आप काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और delicious.net शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।